डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये जो रोड का भूमि पूजन किया है उन्होंने, ये 2021 का काम था। और 2021 में साहब ने हमको बोले थे वही टाइम में कि यार साहब को मैंने पत्र भी दिया था कि ये ऐसा ऐसा विषय है, ये रोड को बोले तो ज़्यादा लोग आते जाते हैं और या बारिश में छिक्खल वो होता है, वो साहब को बोला था। और साहब ने हमको तुरंत 40 लाख रुपये यहाँ पर ये रास्ते के लिए दिए हुए। मैंने इसलिए कहा कि बहुत जल्दी ये बातमी आ जाती है। अब ये सामने खड़े हैं कॉलोनी के, क्योंकि वो बाद में बोले हुआ ये जो 2021 और 22 के काम है, और अभी जो दिए हुआ है आपका 90 लाख का काम मंजूर हुआ हुआ है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है कि जब तक 6 करोड़ की लेन डाली नहीं जाती तो ड्रेनेज नहीं हो सकती। मैंने वहाँ पर खुद बताया हूँ। अब रहा मसला वहाँ पर एक दो मस्जिद के पास के रोड का है, वो भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि रोजे बाग के ईदगाह के वास्ते मैंने 1 करोड़ रुपए लाया हूँ। आपने देखेंगे हरसोल के अंदर आपके मस्जिद के सामने वहाँ पे रोड बनाया हूँ, अजिंठा प्रेस है वहाँ पे भी मस्जिद के सामने रोड बनाया हूँ। यानी मैं काम करते समय मैंने पहले कहा हूँ कि किसी जात धर्म के किसी काम नहीं करता हूँ। काम करते समय ये मेरा मतदार संघ है, इस मतदार संघ में रहने वाले हर इंसान का काम करना मेरा कर्तव्य है, वो हिसाब से मैं यहाँ काम करता हूँ। इनका काम भी बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जैसा कहा NOC ये मिलने के लिए बहुत तकलीफ होती है। ए बौरधाम बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि NOC तुम्हारे पास ये है क्या, इनकी परमिशन है क्या? वो तो ठीक है, हमारे लोगों का धाक है या आप धाक में नहीं बोलूँगा, हमारे रिलेशन अच्छे हैं, लोगों से प्रेम है अच्छा, बोल को मिल रहा है, इसके वजह से ये रोड हो रहा है। एक 15 दिवस सही इतका चांगला रोड होईल की तुम्ही म्हणणार की फार चांगला रोड झाला, तर त्यावेळेस तुमच्या घरी चहा प्यायला यांच्या बरोबर ये। आपला सर्वांचा मनापासून धन्यवाद। थँक्यू सर।